फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना आप अपने फोन को स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को स्विच ऑफ किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए आपको ना मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग का पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम सेटिंग, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस वाले पेज में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे टैप करना है। अब आपका एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का पेज आता है। इसमें आपको नीचे ना ये शॉर्टकट के सामने बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको ना टैप करके ऑन करना है। ठीक है, तो इस बटन को आप टैप करिए तो आपका ये पेज आता है। इसमें आपको नीचे ना अलाउ का ये ऑप्शन टैप करना है तो आपका ये पेज आता है। इस पेज में देखिए दो ऑप्शन है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक्सेसिबिलिटी बटन, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन जो है यूज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी बटन के सामने जो सर्कल के अंदर राइट टिक लगा है ना, इसी तरीके से आपको राइट टिक लगा लेना है सर्कल में, और फिर इसके बाद इसे नीचे ओके पे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये बटन जो है ऑन हो जाता है, और जैसे ये बटन ऑन होता है तो आपकी फोन की स्क्रीन के ऊपर ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक ही शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देता है। तो ये बटन आपका जो है ना स्क्रीन के ऊपर आपको सभी जगह आपको दिखाई देगा। इस बटन का आप कभी भी किसी वक्त आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन है, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है। इस पेज को आप ना लेफ्ट और राइट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। देखिए इस वाले पेज में आपको जो है ना पावर का ऑप्शन है, पावर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये पेज आता है। इसमें देखिए सबसे ऊपर पावर ऑफ का ऑप्शन है, पावर ऑफ पे अगर आप टैप करेंगे ना तो इससे आपका फोन जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को स्विच ऑफ करने का तरीका। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में यूज करके देखिएगा। ठीक है।